से बदल जाओ वो बेहतर है, वरना जिस दिन तुम्हें समय बदलेगा ना उस दिन बहुत रोना पड़ेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 दिसंबर 2020 से पढ़ करके कैसे आप 90% प्लस स्कोर कर जाओगी। मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें एक्सपर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अपने लास्ट 5 ईयर्स के करियर में मैंने जो आपको मतलब जो मेरा कंक्लूजन है उस चीज़ को शेयर करूंगा, तो एंड तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो मोटिवेशन आपको दे दूं जिससे आपके अंदर जोश भर जाए। क्यों भरोसा करता है घरों पे जब तुझे चलना है खुद के पैरों पे? आप दूसरों पे भरोसा क्यों करते हो कि मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता, उनकी वजह से नहीं पढ़ सकता? आपके पास बहुत बहाने हो सकते हैं ना पढ़ने के लिए, लेकिन यदि वही बहाने आप पढ़ने के लिए लगा दो ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका करियर बदल जाएगा। पढ़ाई के सिवा बेटा और कुछ नहीं है। हाँ मानता हूँ आगे स्किल के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट बोर्ड पेपर आपके बहुत करीब है, इसलिए आपको ज़रूरी है आपका 100% फोकस हो बोर्ड एग्ज़ाम। फोकस ऑन योर गोल, जिस चीज़ पे फोकस करोगे आप वही बन जाओगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, दिसंबर से शुरू करते हैं। 15 दिसंबर आने वाला है, 15 दिसंबर से आपका कॉपी पेन सब उठ जाना चाहिए। 15 दिसंबर से देखो, मैंने जो टाइम टेबल मैं आपको दूंगा उसमें 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, इन दो जो महीने हैं दिसंबर से फरवरी तक, इन महीनों के बीच में भाई साहब आपको क्या करना है, आपका जो छूटा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। किस प्रकार करना है उसको मैं अभी बताऊंगा जस्ट बहुत जल्द ही, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए आपको ये सब चीज़ें, मतलब जो आपका बचा हुआ है सिलेबस उसको कंप्लीट करना है। या 10th में होंगे तो आई मतलब मेरा आशा है कि आपका 100% सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि 10th में ज़्यादा होता नहीं है तो वैसे ओवरऑल ख़त्म हो गया होगा। लेकिन 12th में है तो आपके पास अभी करीबन 3 से 4 चैप्टर बचे हुए होंगे, जैसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे जो हैं उनके बचे हुए हैं उसी तरह आपके भी बचे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, करीबन 8 से 9 घंटे की आपको लगातार मेहनत यानी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके सिवा और कुछ नहीं है। और एक्चुअली अब स्कूल भी खुल चुके हैं तो उसका भी मैंने टाइम टेबल में इंक्लूड किया हूँ कि कितना से कितना टाइम आपको स्कूल में वेस्ट करना है जाएगा आपका, वो सब चीज़ें सब कंक्लूजन इसमें दूंगा। उसके बाद देखिए, मैं फरवरी तक तो बता दिया, मार्च में क्या करना है, देखिए आपका पेपर जो है 15-15 मार्च के बाद ही होगा जहाँ तक मेरी आशा है और बोर्ड की भी यही आशा है, क्योंकि उससे पहले कराएंगे तो सिलेबस के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 15 मार्च, देखिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। अरे भाई साहब, कहा गया है कि 100 हथौड़े से जिस पर एक एक बार प्रहार करोगे उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि ज़रूरी ये है कि एक ही हथौड़े से 100 बार उस पर प्रयास किया जाए, 100 बार उससे मारा जाए। जितना घाव वो देगा उतना एक एक हथौड़ा 100 बार में नहीं दे पाएगा। मेरा मतलब ये है कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़े हों जब तक उसको रिविज़न नहीं करोगे आप कुछ लिख नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। चिड़िया थोड़ा चहचहा रही हैं, सुबह का मौसम है, वीडियो बन रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो 15 मार्च तक आपको रिवीजन करना है, 1 मंथ रिवीजन के लिए फुल बहुत अच्छा टाइम है। 1 महीने में रिवीजन इतना अच्छे से हो जाएगा कि आपको मैं क्या बताऊं, उसका कोई मतलब सोल्यूशन ही नहीं है, इतना गजब रिवीजन हो जाएगा। अब आइए जो मेन मुद्दा है टाइम टेबल का, दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक टाइम टेबल 8 से 9 घंटे वाला। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, 8 से 9 घंटे, 24 में से आपका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 घंटे लूँगा, मतलब आपको पढ़ने के लिए देना है। मैं क्या लूँगा, आप खुद पर खर्च करोगे आपके अपने भविष्य करियर के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, और खुद का पहचान खुद से बनाइए भाई साहब, और तब बनेगी जब आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो पहचान तो भूल जाइए, आपके पड़ोसी वाले भी आपको पूछेंगे नहीं कि आप कौन हो। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सुबह उठते हैं करीबन 6 से 7 बजे, फिर वो स्कूल वगैरह जाते हैं, जो भी है 10th 9th 10th में होंगे तो वो जल्दी जाएंगे, सुबह वाला फिर शाम वाला शेड्यूल है जो भी है, और वो सोचते हैं मैं रात में उखाड़ दूंगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, जो पढ़ाई सुबह आप कर सकते हैं, जिस भी पढ़ाई को आप सुबह कर सकते हैं वो शाम को अथवा अन्य समय में नहीं होती। अब उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक रीज़न है भाई। देखिए जब आप सुबह उठते हैं उस समय आपका पूरा माइंड जो है 100% फ्रेश होता है,
आपके अंदर कोई त्रुटि नहीं होती है, बशर्ते आपको क्या करना है, आपको मोबाइल पहले नहीं यूज करनी है। उठने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल उठा के यूट्यूब खोल लेते हैं और उसमें क्या देखते हैं, कॉमेडी, फलानी भाई साहब की, फलानी भाई साहब की कॉमेडी, और प्लस में व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। उठने के बाद में जो कुछ आप करते हो वो सब करना, उसके बाद में 100% कंसंट्रेशन ऑन योर बुक एंड कॉपी, अपनी किताब और कॉपी पर फोकस कीजिए, पूरा पढ़िए। और रिवीजन का जो सबसे अच्छा टाइम मैं आपको बताऊंगा वो सुबह का बताऊंगा और शाम को भी बताऊंगा, लेकिन सुबह 4 बजे से 5 बजे एक घंटे आप जो भी रिवीजन करना चाहते हो उसको रिवीजन कीजिए। आप सिलेबस को ख़त्म करना है, साथ साथ में रिवीजन का टाइम बनाना है। कुछ लोग आपको टाइम टेबल में बताया होंगे कि पहले पूरा सिलेबस उखाड़ दीजिए उसके बाद में रिवीजन करना, ऐसा कुछ नहीं होगा, साथ साथ में रिवीजन, वरना बाद में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। मेरा पूरा फुल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत स्टूडेंट पे ट्राई कराया हूँ, उसके बाद में आपको बता रहा हूँ, कोई फर्जी नहीं है। यदि आपको फर्जी लगता है तो अभी वीडियो को डिसलाइक कीजिए, चले जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो 4 से 5 आपको रिवीजन करना है, उसके बाद में 5 से 15 मैंने 15 मिनट आपको ब्रेक लेने के लिए कहा है, क्योंकि ब्रेक पढ़ाई के समय बहुत ज़रूरी है। एक घंटे में 15 मिनट आपको ब्रेक चाहिए, मतलब एक घंटा पढ़ लीजिए उसके बाद 15 मिनट ब्रेक चाहिए, तो 15 मिनट ब्रेक के लिए दिया हूँ। उसके बाद में 7 बजे से 8 बजे तक आप जो भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जिसको भी पढ़ना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, आपको जिसका भी मन है भाई साहब वो पढ़िए। उसके बाद में 8 बजे के बाद आपको स्कूल वगैरह जाना होगा, 10 बजे से अब तो हो गया है, तो जो भी है 10 से मान लीजिए 1 बजे तक आपका स्कूल है, तो 1 बजे उसको निकाल दीजिए। आपको 1 से 2, फिर 1 बजे आप सब कुछ कर लोगे, फिर पढ़ने लगोगे, 1 से 2 आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना। उसके बाद में फिर बीच में 1-2 घंटे खेलने के लिए, मतलब खेलना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खेलिए आप 2 से 4 बजे के बीच में, आप मान लीजिए खेलिए, और बहुत जो भी कुछ आपको करना है, वर्क वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। उसके बाद में 4 से 5 पे जो भी आपको पढ़ना है उसको पढ़िए। उसके बाद में फिर 5 से 6 आपको मतलब जो भी पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में मैंने फिर रिवीजन पे यहाँ फोकस किया हूँ, 3 आवर्स वहाँ रिवीजन, 3 आवर्स यहाँ, टोटल 4 आवर्स रिवीजन आपको करना पड़ेगा। क्यों रिवीजन ज़रूरी है भैया, रिवीजन नहीं करोगे आप कुछ नहीं लिख पाओगे, मैंने बताया ना, मार्क जुबरबर्ग कहते हैं, मुझे मतलब कह रहे हैं कि यदि एक हथौड़े को 100 बार प्रैक्टिस करके कोई मारेगा तो उससे बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, बहुत आघात होगा, लेकिन 100 हथौड़ों को एक एक बार प्रैक्टिस करने वाला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो वही यहाँ लगेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितना आप पढ़िए उतना रिवीजन शाम को हो जाना चाहिए। सुबह जो रिवीजन किए हैं शाम को सुबह देखिए आपको याद रह गया कि उड़ गया दिमाग से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे खतरनाक टाइम टेबल मैंने दिया हूँ, और यदि आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है तो इसी सिक्वेंस में किसी प्रकार कर लेना, आपका टाइम इधर उधर हो सकता है मुझे पता है, बट आपको जैसा अच्छा लगे उसी हिसाब से कर लेना। मैं कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ कि इसी टाइम टेबल पे 100% कंसंट्रेट कर दिए, ये करना चाहते हो तो करना, वरना अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, और यदि 2 बजे उठते हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे जो होता है सुबह का मौसम होता है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तब चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो शायद आपको पता थी या नहीं पता थी, आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताने का पूरा कोशिश किया हूँ। और यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है, CBSE बोर्ड की करनी है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, सैनिक आप, जय हिंद, वंदे मातरम।